दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेक न्यूज के एक और काफी अच्छे से और फ्रेश से एपिसोड में। मैं लेकर आपके लिए काफी सारे कमाल कमाल की टेक न्यूज। तो इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए अगर नए हैं तो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ वर्मा, आप देख रहे हैं टेक असर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों बात करें आज हमारी पहली टेक न्यूज की, तो यहाँ पर रिलायंस की तरफ से है, क्योंकि रिलायंस ने अभी यहाँ पर पार्टनरशिप की है फेसबुक के साथ, गूगल के साथ, और यहाँ पर एक स्टार्टअप है जिसका नाम है फिनटेक। तो इनके साथ पार्टनरशिप की है क्योंकि ये एक नेटवर्क लेके आना चाहते हैं, यानी कि जो डिजिटल पेमेंट नेटवर्क है एक और क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पर ये, और बहुत जल्दी उसको ये इंट्रोड्यूस करेंगे जो कि राइवल होने वाला है यूपीआई का, यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स जो इंटरफेस है उसका राइवल होने वाला है। वैसे मैं जो अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊं, मैं नहीं चाहता उसको कोई राइवल आए, क्योंकि अभी अच्छा खासा काम कर रहा है यूपीआई, हर जगह यूपीआई है, हर कोई जो पेमेंट करता है यूपीआई के थ्रू करता है, तो मतलब काफ़ी सिक्योर है वो, और मेरे हिसाब से राइवल आने की जरूरत है नहीं वैसे तो। और फिर भी देखते हैं क्या चीज़ें अलग लेके आएंगे, क्या मतलब नेटवर्क किस तरह से कनेक्टेड होगा इनका और कौन कौन सी एप्लीकेशन से होगा, वो चीज़ आगे बढ़ चलेंगी। बात करें हमारी अगली टेक न्यूज़ की, तो यहाँ पर वो बिल गेट्स की तरफ से है। अभी उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया है कि वो प्राइमरली एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं, मतलब iOS होता है उनके पास, पर यहाँ पर उन्होंने प्रायोरिटी दी है एंड्रॉयड को। अच्छा, इसका रीज़न ना बहुत फनी सा लगा मेरे को। उन्होंने बोला कि जो कुछ एंड्रॉयड मैन्युफैक्चरर हैं वो पहले से यानी प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन देते हैं माइक्रोसॉफ्ट की, मतलब कुछ एप्लीकेशन को प्री इंस्टॉल्ड देते हैं, इसी वजह से वो जो एंड्रॉयड है उसको iOS से ऊपर रखते हैं। क्योंकि तो मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा फनी चीज़ है, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। मतलब उन्होंने बोला कि हाँ मैं iOS यूज़ करता हूँ थोड़ा बहुत ऐसे ही अपना इधर उधर, पर मतलब क्या अजीब सा रीज़न है ये, तो सही है अपनी अपनी पसंद है लोगों की। बात करें हमारी अगली टेक न्यूज़ की, तो यहाँ पर रेडमी की नोट 10 की तरफ से है जो कि बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाली है। अभी उसके कुछ जो रिटेल प्राइसिंग होने वाली है उसके बॉक्स की इमेजेस लीक हो गई हैं, जहाँ पर हमें प्राइसिंग पर चलती है वो लगभग 15-16 हज़ार के आसपास है। पर वहाँ पर अभी भी कुछ लोग बता रहे हैं कि मतलब जैसे कि बॉक्स पे तो लिखी होती है इतनी आती नहीं है प्राइसिंग, तो यहाँ पर वो 14 से 15 हज़ार के आसपास आने वाला है जो फ़ोन आएगा, ये तो जो सीरीज आएगी उसमें फ़ोन्स होंगे। और अगर बात करें स्पेसिफिकेशंस की, तो आने दीजिए पहले, जब आ जाएगा तो अच्छे तरीके से स्पेसिफिकेशन पर बात करेंगे कौन सा फ़ोन लेने का है, पर सीरीज में कौन सा फ़ोन किसके लिए बेस्ट होगा, तो बहुत जल्दी आ जाएगी सीरीज यहाँ पर। और प्राइसिंग जैसा अभी क्योंकि लोगों को प्राइसिंग ज़्यादा लग रही थी कि मतलब प्राइसिंग ज़्यादा हो सकती है, पर फिर भी प्राइसिंग कम रखी है, ये चीज़ अच्छी है। और शायद 120 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले भी आपको देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। बात करें हमारे लिए टेक न्यूज़ की, तो वन प्लस तरफ से, वन प्लस तरफ से अभी कुछ चीज़ें पता चली हैं जिसमें पता चलता है कि उनका जो लाइनअप होने वाला है उसके अंदर क्या क्या होगा। यानी कि मार्च में इसका इवेंट बताया जा रहा है कि मार्च के मिड में इवेंट होने वाला है वन प्लस का, जहाँ पर काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स आएंगे। मतलब एक तो 9 सीरीज़ तो है ही है, जिसके अंदर वन प्लस 9 प्रो और वन प्लस 9R। अभी मुझे समझ नहीं आता, मैं नेम मतलब जो ये नेमिंग करते हैं अपने फ़ोन्स की कॉपीड क्यों होता है इतना आईफोन का, मतलब 9R XR ऐसे ही यहाँ पर शाओमी का चल रहा है, प्रो प्रो मैक्स अल्ट्रा लेजेंड, पता नहीं क्या क्या चीज़ें चल रही हैं सच में। अभी यहाँ पर ऐसे ही वन प्लस का भी दिखाई दे रहा है। खैर अभी जो भी है, वैसे इसके बारे में और भी डिटेल्स आई थी पहले, इसके बारे में सोचा था मैंने कि एक डिटेल वीडियो बनाऊँ, पर फिर नहीं बन पाई, कोई बात नहीं। बाकी इस फ़ोन की सीरीज़ के अलावा यहाँ पर एक वन प्लस की वॉच भी आने वाली है, वॉच वाली वॉच, जहाँ पर काफ़ी टाइम से रूमर्ड है, बहुत टाइम बताया जा रहा आएगी, जबकि वॉच आने वाली थी पर बैंड आ गया था, पर फिर भी अभी देखते हैं वॉच आएगी या नहीं, क्योंकि मिड मार्च में बताया जा रहा है इवेंट और जो भी चीज़ें होंगी आगे पता चल जाएंगी। बात करें हमारी टेक न्यूज़ की, यहाँ पर वो है अभी पबजी की तरफ से, क्योंकि कल मैंने वीडियो बनाई है पबजी के न्यू स्टेट की, अगर आप नहीं देखी आप जाके देख सकते हैं, और मेरे सभी डिटेल थी पबजी न्यू स्टेट के बारे में। बाकी बात करें अभी, तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट आए हैं क्राफ्टन की तरफ से जो बोलते हैं कि जो पबजी न्यू स्टेट है हमने जान करके नहीं रखा इंडिया के लिए, क्योंकि अभी तो वैसे भी हम नहीं डाल सकते, पर फिर भी पहले पबजी मोबाइल इंडिया आना है, इंडिया के लिए वो ही बनाया गया है, इसका बाद में देखा जाएगा कि आएगा या नहीं आएगा। फिलहाल के लिए मेन बात यह है कि उनका फोकस यहाँ पर पबजी मोबाइल इंडिया के लिए ही है कि इंडिया में वो लेके आया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट से सारी परमिशंस लेनी है, अभी भी उनकी बातें चल रही हैं गवर्नमेंट से यहाँ पर। और अगर बात करें तो ये स्पेशली इंडिया के लिए ही बनाया गया था कि पबजी मोबाइल इंडिया, तो उसको छोड़कर पबजी न्यू स्टेट को इंडिया के अंदर लाना थोड़ा सा उनके हिसाब से भी ठीक है, कि मतलब जो प्रोसेस चल रही है पहले से, पहले उस फोन मतलब पहले उस
गेम को लेके आ जाए इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया स्पेसिफिक है वो। उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है, परमिशन मिल जाती है, पबजी न्यू स्टेट को भी लेके आएंगे, क्योंकि काफी सारी फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं, ड्रोन्स हैं, नए नए इक्विपमेंट्स हैं, नए नए स्कोप और बाइक्स कार, पता नहीं क्या क्या सारी चीजें हैं जो कि बहुत अट्रैक्टिव है। पर पबजी मोबाइल इंडिया जब आएगा उसके बाद देखा जाएगा, फिलहाल के लिए तो अवेलेबल है नहीं कुछ भी। बात करें हमारी अगली टेक न्यूज की, तो यहाँ पर वो है जियोनी की तरफ से। बात ही कर रहे थे हम लोग अभी नाम चुराने की, तो एक और आ चुका है फोन जियोनी का। मतलब जियोनी काफी टाइम बाद मार्केट में एंट्री ले रहा है। फ्लिपकार्ट के ऊपर इसका जो पोस्टर है वो आ चुका है, मतलब अपीयर हो चुका है फ्लिपकार्ट के ऊपर, जो कि 1 मार्च को ये लॉन्च होने वाला है स्मार्टफोन, भी 6000 MHz की ह्यूज बैटरी के साथ आने वाला है। इसका जो नाम है वो है यहाँ पर जियोनी मैक्स प्रो। कहाँ कहाँ से उठाया आपको ये पता है बात, बाकी देखते हैं स्मार्टफोन कैसा होता है, क्योंकि काफ़ी बेसिक लग रहा है दिखने में, तो काफ़ी बेसिक बेसिक चीज़ें होंगी, फिर भी पता चलेगा जब आएगा तो। और 1 मार्च को लॉन्च होने वाला है, आएगा मतलब। दोस्तों बात करें हमारे अगली टेक न्यूज़ की, तो यहाँ पर वह है अभी माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से अभी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, चीज़ें पता चल रही हैं कि इस साल के एंड तक यहाँ पर कंप्लीट सपोर्ट आ जाएगा एंड्रॉयड एप्लीकेशंस का, यानी कि एंड्रॉयड की एप्लीकेशंस होती हैं उनको हम लोग यूज़ कर पाएंगे माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर ऑफिशियली। यानी कि अभी काफ़ी ज़्यादा तरीके होते हैं, पर फिर भी ऑफिशियल तरीका आ जाएगा विंडोज़ 10 के ऊपर कि हम लोग एंड्रॉयड एप्लीकेशंस को यूज़ कर पाए, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी कन्वीनियंट हो जाएगा काफ़ी लोग को। और अगर बात करें मेरे हिसाब से, मेरा दिमाग दूसरी तरफ भी चल रहा है, मतलब बिल गेट्स को ना काफ़ी ज़्यादा पसंद आ चुका है एंड्रॉयड, तो चाहते हैं कि विंडोज़ के अंदर भी आ जाए, खैर मेरा सोचना ही है। पर फिर भी अच्छी बात है अगर लेके आते हैं, काफ़ी अच्छे से सपोर्ट रहता है, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन होती हैं कंपेटेबल, अगर वो हो जाए विंडोज़ के साथ में तो काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी इसके अंदर, काफ़ी सही है वो भी। बात करें हमारे लिए टेक न्यूज़ की, तो यहाँ पर ओप्पो की तरफ से, ओप्पो का जो Find X3 है, जो कि याद होगा काफ़ी टाइम पे लीक में आया था, अभी उसका जो पोस्टर है वो लीक हुआ है, इसके अंदर डेट पर चलती है जो कि यहाँ पर 11 तारीख यानी 11 मार्च को वो लॉन्च होने वाला है, जो कि ऑब्वियस सी बात है चाइना के अंदर ही लॉन्च होगा। ग्लोबल लॉन्च कब है नहीं पता है, पर फिर भी स्मार्टफोन का लुक, मतलब कि जो लीक्स आए थे उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, काफ़ी अलग अलग फीचर के साथ आने वाला है, एक मतलब प्रीमियम प्रोडक्ट होने वाले ओप्पो की तरफ से। तो देखते हैं किस तरीके के फीचर्स आएंगे और ग्लोबल लॉन्च के बाद इंडिया में कब आएगा, इस लॉन्च के बाद पता चलेगा वो तो। खैर बात करें हमारी रियली टेक न्यूज़ की, तो यहाँ पर है वो, मैंने एक लिस्ट उठाई है जो कि मतलब कि लिस्ट है 10 स्मार्टफोन्स की, जो कि बेस्ट सेलिंग 10 स्मार्टफोन है पूरी दुनिया में, यानी कि वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा जो सेल किए जाते हैं वो स्मार्टफोन की लिस्ट है। इसके अंदर जो पहला नाम है वो है यहाँ पर आईफोन 11 का, यानी कि आईफोन 11 का नाम है यहाँ पर, दूसरा नाम है आईफोन SE 2 का, तीसरा नाम है, तीसरे नंबर पर जो है वो है आईफोन 12, चौथे नंबर पर है Samsung Galaxy A51, पांचवें नंबर पर है यहाँ पर Samsung Galaxy A21S, और छठे नंबर पर है Samsung Galaxy A01, जो कि एक बजट स्मार्टफोन था। इसके अलावा बात करें यहाँ पर सातवें नंबर पर है iPhone 12 Pro Max, इसके अलावा Samsung Galaxy A11 यानी कि A11 जो है वो यहाँ पर 8वें नंबर पर है। 9वें नंबर पर है Redmi का Note 9 Pro, जो कि काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन था है, और 10वें नंबर पर है यहाँ पर iPhone 12 mini। तो अगर देखा जाए इस हिसाब से तो मोस्टली तो यहाँ पर आईफोन ही आ गए और सैमसंग आ गया, एक शाओमी का आ गया, तो ये 10 स्मार्टफोन हैं जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं। तो अभी देख लीजिए आप भी, ये 2020 के हिसाब से है और जज कर सकते हैं, वैसे क्या बोलूँ मैं, सही आईफोन इतने सारे हैं यहाँ पर, iPhone 12 mini भी है वैसे तो, क्योंकि फिर भी लोगों ने बोला है कि फ्लॉप हुआ है, फ्लॉप होने के बाद भी टॉप 10 की लिस्ट में आ गया iPhone 12 mini, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों बात करें आज हमारी आखिरी टेक न्यूज़ की, तो यहाँ पर वो है मोटोरोला की तरफ से, और मोटोरोला की तरफ से हमें इस साल में नई वॉच भी देखने को मिलने वाली है, जिसके अंदर मोटोरोला वॉच जी और मोटोरोला वॉच 1 करके है। अभी ज़्यादा चीज़ें नहीं पता इसके बारे में, और जो लॉन्च भी बताया जा रहा है वो जून में बताया जा रहा है कि जून में ये आ सकती हैं, तो देखते हैं कैसी होंगी वॉच, क्योंकि कुछ फोटोज़ हैं, कुछ लीक्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा बोल सकते हैं प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, पर फिर भी फाइनल प्रोडक्ट जब आएगा तब पता चलेगी और कैसी चीज़ें आती हैं, क्योंकि वॉच OS करके वही OS था उसके ऊपर बेस्ड है ये, तो देखते हैं कैसा कैसी ये वॉच होंगी और किस प्राइसिंग पे आएंगी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी, बहुत सारी चीज़ें उनमें आ गई होंगी, टेक न्यूज़ काफ़ी अच्छी लगी होगी। टेक न्यूज़ नंबर 117 खत्म होती है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं मिलता हूँ आप सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मस्ते, गुड बाय।